हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। इस बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ग्रीन टी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए। तो इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और किस तरह से हम ग्रीन टी का यूज करें कि हमारा जो है हमको फ़ायदा के करे। अगर आप उसको गलत तरीके से लेते हैं तो फिर वो फ़ायदा करने की जगह नुकसान करती है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ग्रीन टी कैसे बनाते हैं। ग्रीन टी बनाना बहुत लोगों को ये होता है कि ग्रीन टी को खूब सारे पानी में खौला के और फिर उसको हम बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी, पर यह गलत है। ग्रीन टी को बनाने का सही तरीका है कि आप पानी को बॉयल कर लीजिए पहले। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए तो फिर आप उसको बंद कर दीजिए गैस को, और फिर अगर आपके पास लीफ की ग्रीन टी है तो आप उसके अंदर डाल दीजिए और फिर उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उस को आप छान लीजिए और फिर पी। दूसरा तरीका यह है कि जो टी बैग आते हैं, ग्रीन टी के टी बैग भी आते हैं, लिप्टन का सबसे अच्छा होता है। अगर उसको बनाना है तो ऐसे पीना चाहते हैं जैसे कि आप कप में देख रहे हैं, तो इसको क्या कैसे बनाना है। पहले आप अच्छे से पानी को खौला लीजिए और कप में डाल लीजिए, और जब पानी मीडियम हो जाए तब आप उसमें एक जो टी बैग होता है उसको आप डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए और फिर आप इसको पीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर उसका फ्लेवर आए और आपको ऐसे ही पी लेना है। और इसके अंदर आपको किसी शुगर का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप हनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन शुगर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है तो फ़ायदा नहीं होगा करेंगे तो। बाद में देखेंगे तो पानी का कलर चेंज होगा और आप देख सकते थोड़े येलोइश कलर हो गया है इसका। तो इस तरह से करके आप ग्रीन टी बनाएं। या दूसरी बात यह है कि ग्रीन टी को पीना कैसे चाहिए। तो ग्रीन टी पीने का सबसे सही तरीका है कि आप इसको सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, हमें 3 बार पीना चाहिए ग्रीन टी। और हमें ग्रीन टी जो है वो 3 से ज़्यादा कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 से ज़्यादा पीते हैं तो फिर वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस करने के लिए आपको ग्रीन टी को अपने मील के बाद, आधे घंटे के बाद, आपको जैसे आपने लंच किया या ब्रेकफास्ट किया तो आपको उसके आधे घंटे के बाद आपको ग्रीन टी पीना है। इससे आपका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है और वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। टी को कब नहीं पीना चाहिए। ग्रीन टी को सुबह में खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी अगर आप खाली पेट पीते हैं तो आपको एसिडिटी करती है और आप दिन भर परेशान होंगे। तो आप कोशिश करें कि इसको जो है आप अपने मील के बाद ही लें। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब करती है ग्रीन टी, सबसे ज़्यादा फायदा करती है रात को सोते समय पीना चाहिए इसको, तो आपको वेट लॉस में काफ़ी मदद करती है। पीने के अनगिनत फ़ायदे हैं। ग्रीन टी पीने से हमारे बॉडी के हार्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं, वेट भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ठीक करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो काफ़ी यूजफुल है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आप इसको यूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई आपको करूँगी। बाय बाय।